यार गाइस, अभी टाइम हो रहा है, कुछ 2 ढाई वीडियो एडिट कर रहा था, इतनी जोर का भूकंप आया, पूरा घर हिल रहा है यार। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। यार गाइस, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी ऐसे ऐसे ऐसे, मेरी तो फटके हाथ में आ गई यार। पता नहीं लोग घरों में कैसे बैठे हैं यार, कुछ लोग तो बाहर निकल गए हैं। बट अभी अरे यार, मेरे हार्ट बीट एकदम बहुत तेज हो गई है यार, बहुत ही तेज हिल रही थी बिल्डिंग यार। मतलब और मेरा सेकंड फ्लोर है, फिर भी मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यार कि मतलब कितना डर लग रहा है मेरे को यार। देखो लोग बाहर निकलना चालू हो गए हैं गाइस, लोगों की आवाज तो आ रही है लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा है यार। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है, ये देखो 2:03 हो रहे हैं और नींद भी आ रही है इतनी जोर की ना, मेरी आंखें देखो लाल हो गई हैं नींद से, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो अपलोड करके फिर सोऊं। अरे यार दिमाग हिल गया मेरा यार। मतलब सुना है पहले भूकंप भूकंप, मतलब फील नहीं किया कभी यार। मतलब आज ऐसा लग रहा है ना कि फटके हाथ में आ गई है, कैसे पूरी बिल्डिंग ऐसे ऐसे हिल रही थी यार। मैं तो कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ भाई। मैं देखो वहां पे बैठ के मैं एडिट कर रहा था और ये इस पे टेक लगा के मैं, और ये पूरा एकदम हिलने लग गया है ऐसे, बहुत तेज वाइब्रेट होने लग गया। मेरे ये जो शीशे दिख रहे हैं आपको, ये खटखट खटखट आवाज आने लग गई। मतलब हे भगवान, मैं आपको एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरी फट रही है, मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है यार। और पता नहीं लोग बाहर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं, क्या है। मैं भी देखो, वो देखो कुछ भैया लोग निकले हैं बाहर, अभी बाकियों का तो पता ही नहीं है यार। मेरा ना दिमाग नहीं काम कर रहा था यार कि मैं क्या करूं। बस सुना था बहुत लोगों से कि जब भी कोई भूकंप आए आप कोई कोना पकड़ लो, लाइक ये वाला जैसे कोना है या ये वाला कोना, कहीं कोने खड़े हो जाओ। और मतलब मैं कहाँ खड़ा हूं मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल यहाँ बालकनी पे। मतलब मेरा इतना भी मत्था उस टाइम काम नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था यार कि मैं करूँ तो क्या यहीं पे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार मेरे को कि मैं कहाँ जाऊं क्या करूं। गाइस डर क्या होता है ना, बहुत करीब से देखा है आज, मतलब बहुत करीब से, जब जान हलक में आती है ना तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है भाई। लोग पहले ज्ञान दे लेते हैं बहुत ज्यादा कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन जब खुद पे पड़ती है ना गाइस, सच में कुछ समझ नहीं आता है। ये दिमाग काम करना बंद कर देता है कि क्या करें कहाँ जाएं। बट अब थोड़ा सुकून है, थोड़ी शांति है। आपको हो सकता है सुबह न्यूज़ में आ जाए कि यार दिल्ली में भूकंप आया था। मैं आपको अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, मैं सोचा मैं अभी व्लॉग बना दूं। ये देखो 2:07 हो रहे हैं अभी, और ये व्लॉग आप कल पता नहीं कल देखोगे परसों देखोगे, नहीं पता मैं कब अपलोड करूंगा। मैं हो सकता है कल ही अपलोड कर दूं। तो गाइज बाप, मेरे हाथ पैर ऐसे मतलब एकदम ठंडे पड़ गए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। हे भगवान। तो गाइज पानी वानी पिया, अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अब डर लगा रहेगा। मतलब मेरे लग रहा रात काली हो गई, नींद भी अब आएगी भी पता नहीं, आएगी भी कि नहीं आएगी, और आएगी तो फिर डर की वजह से नींद नहीं सो नहीं पाऊंगा। तो ये जो भूकंप आया ना अभी, ये आई थिंक कुछ 20-30 सेकंड के लिए था या और टाइम हो सकता है, टाइम तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता कितने टाइम के लिए था, बट जो भी था बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था भाई, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मतलब मैं आप क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था, और एडिट करके
मैं अभी जब जैसा कि मैंने दिखाया है ना कि वॉल पे ऐसे पीठ मेरे ऐसे टेक लगा के और वो जो वाइब्रेट हो रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे उसमें दीवार में मैं लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा क्या हो गया यार, उठ के देखा शीशे से, ये शीशा दिखाया मैंने मेरा इसका बालकनी का, वो खटखट 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 आवाज आ रही है और पूरा घर ऐसे ऐसे पूरा हिल रहा है। जब खड़ा हुआ मैं, वो फील हो रहा है, मैं मतलब एक होता ना कि बहुत मामूली नॉर्मल आप फील कर रहे हो, लेकिन ये फील मतलब धक 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 ऐसे एकदम हिले जा रहा है, हिले जा रहा है। लगभग मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अपना आइडिया, कम से कम 20-30 सेकंड होगा या इवन और भी हो सकता है। लेकिन भाई इतना ज्यादा डर गया था ना मैं, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं यार। मतलब मैं तो, और मेरी क्या आदत है, मैं अभी फोन उठाया, ताला उठाया और देखो ये पीछे ये लॉक है, यहाँ सारे मेरे कपड़े टंगे होते हैं, रात को यहीं पे टंगते हैं, ये जो हाथ लगा वही पहन लिया, दरवाजा खोल के जैसे ही बाहर निकला तो वैसे तुरंत नॉर्मल हो गया सब कुछ। तो मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ अब, मतलब रुक गया क्या, नीचे जाऊं नहीं जाऊं। नीचे बालकनी से झांक के देखा, मतलब मेरे फ्लैट से बाहर निकल के इधर से भी जीना है स्टेयर्स, वहां से भी बालकनी है, वहां से झांक के नीचे देख रहा हूँ कोई नहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं, 2-3 स्विगी वाले खड़े हैं। मैं कह रहा यार क्या चल रहा है, मैं रात इतनी है, डर की वजह से नीचे भी नहीं उतरा, कुत्ते भौंक रहे हैं गली में, मतलब क्या बोलूँ यार। थोड़ी देर में ना कसम से, मतलब बस वही ना वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दाकी बोल रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग था ना वो, पता नहीं कैसे टक से मैं मौत को छू के आ गया हूँ भाई, वो वाला सीन था भाई, बहुत ही ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था गाइस। मतलब सच में, ये जिस बिल्डिंग में मैं हूँ, ये बिल्डिंग 6 फ्लोर की है, अब सोचो 6 फ्लोर की है और कितना वाइब्रेट हो रही थी ना ये बिल्डिंग, मतलब आई कांट टेल यू। अब ठीक है, अब जाके थोड़ा ये भगवान बस सब सही करे मालिक। आपको सुबह हो सकता है न्यूज में देखने को सुनने को मिल जाएगा कि हाँ, लेकिन जो लोग सो गए हैं उनसे, वो तो कुछ नहीं बता सकते भाई, जो लोग सो गए हैं घरों में वो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो जग रहे थे ना उनसे पूछना, जो लोग सोए हैं उनका तो क्या सुबह पूछोगे, अरे रात में कुछ हुआ क्या है, क्या हुआ है, मतलब पता नहीं यार, लेकिन जो लोग जग रहे थे ना गाइस उनसे पूछना एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब फटके हाथ में आ गई थी भाई पूरी। तो चलो गाइस अभी समय कुछ 2:30 बज रहे हैं, पता नहीं शायद 2:30 या 2:45 बज रहे हैं रात को, तो ये वीडियो मैं सुबह अपलोड करूँगा, मतलब आप ये वीडियो जब देखोगे तो शायद सुबह हो चुकी हो। तो मैंने बस ऐसे दिल में आ गया यार कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी व्लॉग मेरा जो है वो डेली का 2:15 बजे का ही टाइम है, वो डेली मेरे व्लॉग 2:15 बजे ही आएंगे। एंड गाइस चलो अभी नींद कहाँ आएगी, लेकिन फिर भी अभी एडिटिंग का कुछ काम बाकी है, मतलब अपलोडिंग पे लगा दिया है वीडियो, एडिटिंग का काम बाकी तो खैर नहीं है, थोड़ा सा रह गया है, और एक वीडियो और अपलोडिंग पे लगा दी है मैंने, वो 2:15 बजे सुबह आपको देखने को मिलेगी। आई मीन दो क्या मैं बोल रहा हूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा है कुछ भी, सुबह को कौन सा 2:15, मतलब कल दोपहर में आपको 2:15 बजे देखने को मिलेगी। बाकी ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा सुबह 8-9 बजे के आसपास, तब आप ये वीडियो देखोगे इसे। तो गाइज़ चलो बाय बाय, अपना ध्यान रखो यार, मैं भी अपना ध्यान रखूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीधा व्लॉग में, बाय, टेक केयर।